दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय tutorial.pk। अब चाहे पढ़ाई के लिए नोट्स दरकार हो, MCQs या फिर पास पेपर्स, tutorial.pk इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल एग्जाम प्रिपरेशन नीड्स। अब आप चाहे जिस बोर्ड से भी एनरोल्ड हो, tutorial.pk पर सभी बोर्ड्स के करिकुलम्स का स्टडी मटेरियल अवेलेबल। लेवल अप योर स्टडी टेक्निक्स एंड जॉइन tutorial.pk। फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड ट्राई इट फॉर फ्री। शेरम एयरलाइंस की जानिब से आप सभी को खुशामदीद। जहाज 55 की यादों पर रवानगी के लिए तैयार है। तमाम नाज़रीन से दरख्वास्त है कि अपनी नशिस्तों पर तशरीफ फरमाएं और बेल्ट का सब्सक्राइब बटन दबा दें। सफर के दौरान नॉस्टैल्जिया की हालत पेश आने पर लाइक का बटन इस्तेमाल फरमाएं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि वक्त का तेज बहाव एक पल में ही हमारा बचपन बहा ले गया और हम गोया बचपन की यादों समेत इस बहते वक्त के दरिया किनारे बैठे ही रह गए। इतनी डीप बातें, ख्याल कर भाई, मुझे तैरना नहीं आता, डूबी ना जाऊं। खुश सॉरी यार, तू तो माइंड ही करी है। तू कंटिन्यू कर अपनी वीडियो। तो यार मैं यही कह रहा था कि बचपन किस कदर तेजी से गुजरा, कभी कभी यकीन ही नहीं आता। शहरम उठ जाओ, स्कूल का टाइम हो गया है बेटा। उठा हुआ हूँ ना अम्मा। देर हो रही है, बिस्तर से निकलो और नहाओ जाकर। अम्मा 5:30 हो गए। अम्मा अभी तक नहाए नहीं, तुम क्या कर रहे हो? वैन मिस हो जाएगी तुम्हारी। अम्मा पेट में दर्द हो रहा है, आज नहीं जाना। खबरदार जो छुट्टी का सोचा तुमने, कोई दर्द वर्द नहीं है, वॉशरूम जाओ सब ठीक हो जाएगा। अम्मा वैन वाले अंकल भी कोई इतनी जल्दी पिक करते थे ना, सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक तो पूरे शहर में ही घूमती रहती थी वैन। शहरिम उड़ जाओ बेटा, स्कूल आ गया। रजब शहरिम को उठाओ यार। उठ जाओ भाई, उठ जाओ। अच्छा शेरम बेटा, पप्पा को कहना बेटा फीस भी दे दे, पहली तो कब की गुजर गई है। सुबह 8 बजे असेंबली में दिन की अच्छी शुरुआत का एहसास कम और इम्तहान और परेशानी का एहसास ज्यादा होता था। चारों तरफ टीचर्स और प्रीफेक्ट्स का पैरा, जो उन बेचारे बच्चों के शिकार पर मशगूल होते कि जिनके यूनिफॉर्म में कोई नुक्स हो। यो ब्लडी चैप, गेट आउट ऑफ द लाइन, व्हाई आर यू सो शैबली ड्रेस्ड, लुक एट योर टाई, लुक एट योर डर्टी शूज, गेट आउट ऑफ द लाइन। ओह आराम से अम्मा, आवाज नीचे, इजी हो जाओ, साफ तो है जूता, क्या शक्ल देखती है अपनी इसमें। व्हाट, हाउ डेयर यू। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। सुबह की असेंबली लाइन में अमूमन बच्चे हाइट वाइज खड़े होते थे। अगर आपका यूनिफॉर्म परफेक्ट नहीं होता था और आपकी हाइट बाकी क्लास फेलोज से ज्यादा थी, तो आप एक लकी इंसान थे, क्योंकि लाइन में आगे खड़े होने से पकड़े जाने के चांसेस डेफिनेटली ज्यादा होते थे। गुड मॉर्निंग टीचर। ओके सिट डाउन। थैंक यू टीचर। ओके क्लास, टेक आउट योर ग्रामर कॉपीज। ओह शिट, मैं तो कॉपी नहीं लाया। टीचर। यस। टीचर कैन आई गो टू टॉयलेट? इट्स नॉट कैन आई गो टू टॉयलेट, इट्स मे आई गो टू टॉयलेट। मे आई गो टू टॉयलेट? नो। वेयर इज योर ग्रामर कॉपी? वो तो अम्मी ने बैग में नहीं डाली। व्हाट? टीचर भूल गया। खाना खाना बोलते हो कभी? हाँ हाँ, बहुत लेम बात की आपने, और वैसे भी बहुत पुराना हो गया। शट अप, गो स्टैंड इन फ्रंट द वॉल एट द बैक ऑफ क्लास। सॉरी मिस, सॉरी। नो, गो और आई विल सेंड प्रिंसिपल ऑफिस। हु इज नॉट हैव कॉपी आर बुक, गो आल्सो स्टैंड एट बैक फेसिंग वॉल। ओए क्या होमवर्क किया? कौन सा? सोशल स्टडीज। नहीं भूल गया, अगली क्लास सोशल स्टडीज की है, क्या करेगा? अल्लाह करे मैं छुट्टी कर ले। Hey, you two, stop talking, stand distance. कभी कभी सोचता हूँ क्या गुनाह हो गया मुझसे इतनी उम्र में। स्कूल में सारे ही बच्चे बहुत डिफरेंट होते हैं।
एक बच्चा होता है सब टीचर्स का फेवरेट, क्लास का मॉनिटर, हर टेस्ट में फर्स्ट और हमेशा सारा काम कंप्लीट। इसी के बरक्स एक होता है ट्रबल्ड बच्चा, ना हैंडराइटिंग अच्छी, ना काम कंप्लीट, हर टेस्ट में फेल और हर वक्त टीचर्स की डांट। एक होता है क्लास का बोर्ड इंचार्ज, जिसका सारी चॉक्स और डस्टर पे कब्जा होता है। एक करप्ट बोर्ड इंचार्ज भी होता है, जो सारी चॉक्स को चॉक फाइटिंग में इस्तेमाल कर देता है, और फिर जब क्लास की चॉक्स खत्म हो जाए और टीचर इसे और चॉक्स लाने को कहे तो 20-20 मिनट के लिए क्लास से बाहर गायब हो जाता है और पूरे स्कूल की सैरें कर रहा होता है। हर क्लास में एक आर्टिस्ट जरूर होता है, जिसकी कॉपी का आखिरी पेज ड्रॉइंग से भरा होता है। ये बच्चा जब भी क्लास में तस्वीरें बनाए तो पूरी क्लास ही इस बच्चे के इर्द गिर्द जमा हो जाती है। क्लास के इस आर्टिस्ट से भी ज्यादा टैलेंटेड वो बैक बेंचर्स होते हैं, जो ना सिर्फ इंसान बल्कि जानवर की आवाजें भी बखूबी निकाल लेते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, कौन था ये? सारे अपनी चेयर्स पे खड़े हो जाएं इसी वक्त। मुझे अभी भी याद है, क्लास में फैशन की शौकीन लड़कियों को अक्सर कलर्ड हेयर क्लिप्स, पोनीज और नेल पॉलिश यूज करने पर डांट पड़ रही होती थी। वैसे क्लास में टीचर्स की फेवरेट अक्सर लड़कियां ही होती थी। कोई टीचर को विश कार्ड बना कर दे, कोई क्लास के बाद टीचर से गप्पे मारे, तो कोई कॉपीज कलेक्ट करके टीचर को स्टाफ रूम तक पहुँचा कर देती। असलम ने अपने बस्ते अच्छा असलम ने अपने बस्ते से कुत्ता बच्चा निकाला, किताबचा निकाला। ओके सिट डाउन शहरम, जहाँ से शहरयार ने छोड़ा आप वहाँ से रीड करें। जी मिस। ओके मिस। शिट मर गए, क्या करूँ? ओए पता कहाँ से पढ़ना है, ओए पता ना। चलो लंच टाइम हो गया, आजा लंच में क्या लाया है? सैंडविच। किस चीज का? चॉकलेट स्प्रेड। मैं फ्लाइज लाया हूँ और तैमूल नूडल्स लाया है। आजा आजा आज पार्टी करेंगे। स्कूल के लंच टाइम की तो अपनी ही यादें हैं। दोस्तों के साथ लंच शेयर करना, पकड़म पकड़ाई खेलना, ब्रेक के बाद आने वाली क्लास का होमवर्क जल्दी में कंप्लीट करना और टेनिस की बॉल से मारम पिट्टी खेलना। कैंटीन से कोल्ड ड्रिंक बोतल के बजाय प्लास्टिक में मिलती और हर चीज 5 रुपए महंगी। अक्सर कैंटीन की लाइन इतनी लंबी होती थी कि ब्रेक का टाइम ही खत्म हो जाता लेकिन बारी ना आती। असल मजा तो तब आता था जब ब्रेक टाइम खत्म हो जाता लेकिन टीचर्स की किसी मीटिंग की वजह से ब्रेक एक पीरियड और लंबी हो जाती, या फिर जब कोई टीचर एब्सेंट होती और फ्री पीरियड मिल जाता। ओए बोल, पेंसिल तेरी शादी कैंसिल। जो कहता है वही होता है। अबे चंपू छोड़ी नया रबट चक्कर। वाह यार कितने का है? शट अप, नो टॉकिंग। अच्छा डस्टबिन चल के बातें करते हैं। टीचर पेंसिल शोपन कर लूं? ओके बट बी क्विक। आजा। स्कूल में वेकेशंस के लिए जो टीचर्स होमवर्क दे देती थी वो तो सख्त अजाब लगता था। और सबसे मजे की फीलिंग तो तब होती थी जब स्कूल जाने के लिए सुबह उठो और तैयार भी हो जाओ लेकिन तेज बारिश की वजह से छुट्टी हो जाए। बचपन में हमें इस बात की जल्दी थी कि बस किसी तरह से जल्द बड़े हो जाएं। उस वक्त शायद हमें ये मालूम ना था कि हम जिंदगी की सबसे हसीन उम्र से गुजर रहे हैं। ना कोई फिक्र ना कोई गम, वो इरेजर की मीठी सी खुशबू, वो स्टील शार्पनर की चमक, नई क्लास में जाने से पहले यूनिफॉर्म और स्टेशनरी की शॉपिंग, और वो फ्राइडे को अपने फेवरेट टीवी शोज देखना और वीडियो गेम्स खेलना, आज महज ये सब एक ख्वाब सा ही लगता है। और मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि जिंदगी रही तो आज से 20 साल बाद भी हमें हमारा आज बस कल सा ही लगेगा, एक गुजरी रात का ताज़ा ख्वाब। तो क्यों ना हम अपने आज के हसीन पहलुओं पर गौर करें और हर पल को अच्छे से जिएं कि कल को कोई पछतावा ना हो। आज के लिए शहरम को इजाजत दें। डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट मी ऑन पेट्रियन, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।